मैं चाहता हूं कि हमारे बड़े लंबे समय से हमारे डिपो होल्डरों की डिमांडें थी वो हमारी इस सरकार ने तीन डिमांडें तो विशेष तौर पर मान ली हैं। एक तो सबसे पहले जो स्टेट सब्सिडी की जो जितनी भी दालें कड़वा तेल रिफाइंड और नमक था जो जिस पर हमें 3% का वो कमीशन मिलती थी वो बढ़ाकर 4% कर दी है, जिससे सीधा तौर पर डिपो होल्डर को 33.33% का इजाफा होगा। उसके बाद हमारे जो एक डिपो की चीनी जो लेवी शुगर उस पर 7.57 रुपये पर क्विंटल हमें वो मिलती थी कमीशन, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 50 रुपये पर क्विंटल कर दिया। और तीसरा जो गन्नी बैग जो खाली वारदाना था जो FCI से फ्री आता था और सिविल सप्लाई वाले वो हमसे इसके एवज में पैसे लेते थे वो भी सरकार ने वापस ले लिया है और अब हमें गन्नी बैग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हमारी जो NFSA की कमीशन थी जो हमारी अक्टूबर 2013 से मई 2016 तक की है 32 महीनों की है, तो लाखों रुपए के हिसाब से हमारी कमीशन लटकी हुई है। तो मैंने तो आग्रह किया हुआ था मंत्री से कि वो हमारी एक कमीशन सारी को रिलीज़ करें। और एक डिपो खोलने के लिए पीछे इन्होंने थोड़ा सा नियम चेंज किया था, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो नया डिपो खोले उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें 1500 पॉपुलेशन और 2 किलोमीटर एरिया दोनों अनिवार्य हों, क्योंकि अभी जो नियम बनाया उसमें लिखा गया है 1000 पॉपुलेशन या 2 किलोमीटर, वो या काट कर और होना चाहिए कि दोनों अनिवार्य हों। एक हमारी एक और प्रमुख डिमांड थी कि जो APL राशन कार्डों से एक कोरोना के टाइम में APLT राशन कार्ड होते टैक्स पे के उनको चावल आटा तो APL की दर पे मिल रहा है लेकिन दालें बहुत महंगी हैं, तो मैं सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये दालों के रेट भी APL की दर्ज पर ही दें। संघर्ष तो जारी रहेगा, संघर्ष का नाम ज़िंदगी है, हमने संघर्ष तो अपने जारी रखना है क्योंकि हमारी कुछ डिमांडों के लिए उन्होंने आश्वस्त किया हुआ है हम ऐसे आराम से बैठेंगे नहीं, पर चलो उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा तो है। बाकी डिपो बंद करना कोई वो इसका हल नहीं है।